वैधानिक चेतावनी, इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फन की बात आयुष के साथ फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। गोपाल उर्फ अंकुर की शादी फाइनली आ ही गई, तो मैं आयुष आज यहाँ आप सबका गोवा में वेलकम करता हूँ और इनका भी वेलकम करता हूँ। तो मम्मी और कौन कौन आएंगे? मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओ, तो करण अर्जुन भी आएंगे। वैसे आज यहाँ कोई बहुत ही खुश है और वो और कोई नहीं अंकुर की सासू माँ है। तो आइए उनसे जानते हैं, जब वो पहली बार अंकुर से मिले तो उनका क्या कहना था। तुम्हारे जैसे लड़के को ना सर्वगुण संपन्न कहते हैं। अच्छा, तो आंटी आपने शिखा भाभी को क्या सजेशन दिया था? शादी कर लेनी चाहिए। ओ, तो भाभी ने फिर शादी के लिए हाँ कर ही दी। आइए जानते हैं करीना कपूर के स्टाइल में कि शिखा भाभी की बचपन से क्या सोच थी शादी को लेकर। बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई को। शिल्पी दीदी, ये बताइए कि शिखा भाभी हमेशा से क्या बोलती थी शादी के लिए? मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी। अरे अंकुर, डिजाइनर लहंगा दिला दिया ना, वरना टाटा बाय बाय। अच्छा अंकुर, और शिखा भाभी की शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? एकदम डायरेक्ट बोलो, दिल से बोलो। अरे दिल से बोलो, दिमाग से बोलो, कैसे भी बोलो, बस भाई बोलो। मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही। और आपको कैसा लग रहा है? नवंबर खुश हुआ। ओहो, आज यहाँ सब खुश है। अच्छा आज मेन्यू में क्या है? ढोकला, फाफड़ा, हंडवा, थेपला, खाकरा। बहुत सारी चीजें है यहाँ, आप क्या खाना चाहोगे? नो थैंक यू, हमें कुछ नहीं खरीद। और आप क्या लेंगे? चाय। ओहो, मोदी जी तो यहाँ भी चाय नहीं छोड़ेंगे। आज यहाँ बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मम्मी पापा का भी परफॉर्मेंस हुआ, तो आपको कैसा लग रहा है? पेंडो फैंटास्टिक फैंटास्मगोरिकल। और आपको कैसा लगा? इंडियन टेलीविजन में ऐसा एक्ट कभी नहीं। ओके ओके, तो अब बताइए कि आपको पूरा शो कैसा लगा? सुपर से बहुत 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 ऊपर वाला था। थैंक यू सो मच शिल्पा। उम्मीद है आपको फन की बात आयुष के साथ में बहुत ही मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।